अगर आप गुम है किसी के प्यार में सीरियल से जुड़ी हर खबर को फॉलो करते हैं तो आपने ये खबर जरूर सुना होगा कि सीरियल में ईशान के किरदार को निभाने वाले एक्टर शक्ति अरोड़ा सीरियल से एग्जिट ले रहे हैं, यानी सीरियल को छोड़कर जा रहे हैं। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर सीरियल की कहानी में अब मेकर्स क्या कुछ दिखाने वाले हैं और सीरियल में आगे क्या कुछ होगा, इन सारी बातों को हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। जब से ये खबर मीडिया में आई है कि सीरियल में ईशान के किरदार को निभाने वाले एक्टर शक्ति अरोड़ा सीरियल को रहे हैं, तभी से मेकर्स के बीच और दर्शकों के बीच काफी ज्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि सीरियल में ईशान मेन लीड में है और दर्शक ईशान और सभी की जोड़ी को देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही है कि शक्ति अरोड़ा यानी ईशान सीरियल को छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं, लेकिन सीरियल के मेकर्स लगातार शक्ति अरोड़ा से बातचीत कर रहे हैं और वो उनके डिसीजन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब इसके आगे की स्टोरी लाइन भी सामने आ रही है कि अगर शक्ति अरोड़ा सीरियल में नहीं होते हैं तो पूरी भोसले फैमिली को खत्म करता मेकर्स दिखा सकते हैं और सभी की जिंदगी में नए लड़के को आता दिखा सकते हैं। शक्ति अरोड़ा को सीरियल को छोड़ना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं।